नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी टुडे न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बिजली विभाग में आ चुकी है बम्पर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजली विभाग यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की नई भर्ती के बारे में, जिसका इस साल 2023 का नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों ये जो भर्ती निकाली गई है, यहाँ पर जो पद है 1900 से अधिक पदों पर यह बम्पर भर्ती है जिसके आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। आवेदन जो है शुरू चुके हैं, बिना परीक्षा के बिल्कुल सीधी भर्ती निकाली गई है। और दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 27 मार्च से पहले अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि लास्ट डेट जो है यानी कि अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की वो 27 मार्च 2023 है। दोस्तों आवेदन जरूर कीजिएगा, बट अप्लाई करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो के अंदर। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। रोजाना इसी प्रकार सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई भर्ती के बारे में, जो कि सरकारी नौकरी है बिजली विभाग की तरफ से, गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ दोस्तों, इस साल 2023 का यह नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, बिना परीक्षा के बिल्कुल सीधी भर्ती है। योग्यता की बात की जाए तो कक्षा 10वीं पास से लेकर के 12वीं पास और ग्रेजुएट पास सभी कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं दोस्तों, तो आप सभी कैंडिडेट जो है मेल फीमेल लड़के लड़कियां जो है अप्लाई कर सकते हैं भर्ती के लिए। तो चलिए आपको डिटेल्स में जानकारी देते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। दोस्तों हमारी जो नंबर वन वेबसाइट है वो है sarkaritodaynews.com। दोस्तों यहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है, तो आज ही हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, जानकारी लें और अप्लाई करें। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये बिजली विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके आवेदन जो है 27 फरवरी से 27 मार्च तक चलेंगे, ठीक है। यहां पर 1500 से अधिक वैकेंसी है, इसके अलावा एक और नोटिफिकेशन है, दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। और ये जो भर्ती निकाली गई है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड PSPCL की तरफ से इस साल 2023 की नई भर्ती है। दोस्तों यहां पर जो पद जारी किए गए हैं वो लाइनमैन अप्रेंटिस के पद हैं और भी अलग पद हैं। कुल मिला के 1939 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। पंजाब बिजली विभाग की जॉब लोकेशन है, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है केवल मेरिट के आधार पर है, ना आपकी परीक्षा होगी ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी आपको एज पर रूल्स मिलने वाली है। एज लिमिट की बात की जाए तो कम से कम 18 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और मैक्सिमम जो है एज पर रूल्स रहेगी। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए योग्यता की, तो कम से कम 10वीं पास या फिर ITI डिप्लोमा डिग्री पास सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है 27 फरवरी से 27 मार्च तक चलेंगे। ये रहा लिंक अप्लाई करने का और ये रहा लिंक नोटिफिकेशन का। दोस्तों यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में आपको भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है, यहां पर आप पूरी जानकारी लेकर के अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।